दोस्तों LG की एक टीवी अपने पास रिपेयर होने के लिए आई हुई है, CRT टीवी है और इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें छोटा पिक्चर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए छोटी सी एक लाइन भी बनी आ रही और ये पिक्चर भी छोटा आ रहा है। जब ये प्रॉब्लम हमेशा किसी भी टीवी में आती है तो आपको किस सेक्शन में चेक करना है ये आप इस वीडियो में जान सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं इसके पूरे मदरबोर्ड को बाहर निकाल के दिखाता हूँ। तो जब भी ये प्रॉब्लम आती है मदरबोर्ड पे, आपने इसकी जो वर्टिकल आईसी है उसको आपने देखना है। तो यहाँ पर इसकी वर्टिकल आईसी है LA78141 नंबर की, ये आपकी 7 पिन की वर्टिकल आईसी इसमें लगी हुई है। और यहाँ पर मैं आपको दूसरे साइड से दिखाऊं तो इस हीट सिंक पे देखिए इस वाली हीट सिंक पे जो सामने आप देख रहे हैं, बोर्ड को इस तरीके से रखता हूँ तो इस वाली हीट सिंक पे लगी हुई रहती है वर्टिकल आईसी इस तरीके से। तो ये आईसी जो हमारी है ना, इसमें एक सेकेंड, वर्टिकल सेक्शन के लिए लगी हुई है। इसके सेकेंड नंबर की पिन पे हमें वोल्टेज चेक करनी है। सिस्टम को ऑन कर लिया है और मल्टीमीटर को हम रखते हैं DC 20 वोल्ट पे। मल्टीमीटर की एक प्रोब को हम ग्राउंड कर लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से फंसा लीजिए और इस आईसी के आप सेकेंड नंबर की पिन, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर की पिन है, इस पर आपने वोल्टेज चेक करनी है। वोल्टेज बिल्कुल सही बन रही है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आके किस, चलिए 110 वोल्ट भी अपने इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं, वोल्टेज बिल्कुल सही है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर एक चीज, आपने यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक दो काम करके हो सकता है, या तो आप यहाँ पर इस आईसी को चेंज कर लीजिए। लेकिन इसमें हो क्या रहा है ना, ये कभी कभी टीवी अपने आप ठीक हो जा रहा है, ये जो प्रॉब्लम है अपने आप सही हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में ड्राई सोल्ड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने क्या करना है, पहले मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ और इसमें प्रॉपर है ना सोल्डरिंग कर लेनी इस सेक्शन में, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि ड्राई सोल्ड हो अच्छी तरीके से चेक कर लो। और यहाँ पर देखिए काफ़ी हीट की वजह से देखिए इसकी कंडीशन काफ़ी जलावी है। तो एक काम करूँगा, इस सेक्शन में सभी कंपोनेंट को सोल्डरिंग करूँगा, जिसमें भी लगता है कि मुझे ड्राई सोल्ड हो रहा हो उस कंपोनेंट में विशेष तरीके से सोल्डरिंग करके यहाँ पर फिर एक बार चेक करूँगा। फिर भी नहीं हुआ तो फिर हम आईसी को चेंज करके देख लेंगे। चलिए सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो फाइनली जो भी लग रहा था मुझे जहाँ पर ड्राई होगा वहाँ पे सब सोल्डरिंग कर लिया है। चलिए एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और प्लग लगा लेता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो यहाँ पर आपके सामने है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही तरीके से हो चुका है, देखिए। और ये रहा इसका जो भी मेनू होता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, लेकिन अगर आप कंडीशन में प्रॉब्लम हो तो आप इसमें आईसी को चेंज करके देख लेना और प्रॉपर वोल्टेज चेक कर लेना, सारे कंपोनेंट आप उस सेक्शन में चेक कर लेना। अब यहाँ पर क्या ना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसलिए हो पाया है क्योंकि भाई कस्टमर ने बोला था कि यार ये क्या हो रहा है, कभी कभी अपने आप सही हो जा रहा है, कभी कभी जो है छोटा हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, कभी कभी बड़ा हो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर ड्राई सोल्ड के ही चांस होते हैं। हाँ, अगर आईसी कभी चली जाती है, अगर सपोज आईसी कभी चली जाती है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी पिक्चर में और ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, वैसे वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फिलहाल अपनी शॉप में ही बैठ के मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ और किस तरीके से कर रहा हूँ चलिए आपको दिखा देता हूँ बिहाइंड द सीन। तो ये देखिए ज़मीन पर बैठा हुआ हूँ, ऊपर इतनी जगह है नहीं स्टूल टेबल में मेरे कि मैं टीवी को रख सकूं। एक और टीवी रिपेयर के लिए आई है, उसको भी मैं कल परसों वीडियो डाल दूंगा,
फिलहाल रिपेयर तो मैं आज ही करूँगा, लेकिन वीडियो कल परसों इसमें डाल दूंगा। बाकी ये देखिए जमीन पे स्टूडियो बनाया हुआ अपना, मैं जाने क्या क्या चीज़ें रिपेयर और करनी है, लेकिन करते रहूँगा धीरे धीरे। बाकी सपोर्ट कीजिएगा और इसी तरीके से प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।